अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा मौसम है जैसे कि आप देख सकते हैं, और उससे भी अच्छी बात, स्पेशल बात कि आज मदर्स डे है। तो मैंने सोचा है मामा के लिए कुछ अच्छा सा प्लान करती हूँ, कुछ उनको छोटा सा सरप्राइज़ देती हूँ। वैसे तो हम सबको चाहिए कि अपनी मदर्स के लिए थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ करते रहें, लेकिन ये एक स्पेशल डे होता है मदर्स डे, जिसको हम रिकग्नाइज करते हैं मदर्स डे को, और अपनी मदर्स के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या ज़रूरत आएगा हमें वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कस्टर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हमने ये एक डेचकी में दूध ले लिया है, और 750 ml हमने टोटल दूध लिया था, जिसमें से 600 ml हमने इस डेचकी में डाल दिया है और इसको रख दिया है बॉयल होने के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर, और जो बाकी हमारे पास बचा हुआ मिल्क है उसमें हम कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। तो चलिए इसमें ऐड करती हूँ शुगर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डालने जा रहे हैं शुगर। ये हमने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर दी। आप ज़्यादा शुगर पसंद करते हैं तो ज़्यादा शुगर ऐड कीजिए, और अगर आपको कम पसंद है तो कम ऐड कीजिए। अब हम करने लगे हैं मिल्क में अपना कस्टर्ड मिक्स करेंगे, और ताकि उसमें लम्स ना रहें उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब ये दूध बॉयल हो जाएगा हम इसमें वो ऐड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मैंने मिल्क ले लिया है इस कप में, और मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करने जा रही हूँ। 4 tablespoons मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो फ्रेंड्स, ये भरे हुए 4 tablespoons मैंने इसमें ऐड किए, और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ ही साथ अब अपना दूध बॉईल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, इसमें अभी लम्स हैं, थोड़ा इसको अच्छे से और मिक्स करूँगी मैं, और ये तकरीबन हो चुका है, ये मेरे पास अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसके लम्स ख़त्म हो चुके हैं। मैं बस अब वेट कर रही हूँ कि दूध मेरे पास बॉयल हो जाए। जैसे ही बॉयल होगा तो मैं इसके स्टोव की आंच को स्लो कर लूँगी, बिल्कुल लाइट पे ले जाऊँगी, और देन मैं इसमें ऐड करूँगी साथ साथ इसको मिक्स करते हुए। तो मैं वेट करती हूँ जब तक ये बॉयल होता है। तो फ्रेंड्स, ये बॉयल हो गया है, आप देख सकते हैं ये ऊपर आ रहा है। मैंने स्टोव को बिल्कुल लो आँच पर कर लिया है, और अभी हम चाहिए एक विस्क। विस्क की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब हम इसमें कस्टर्ड जो हमने घोल के रखा है वो ऐड करेंगे। तो अब हम इसको आराम आराम से ऐड कर रहे हैं, और साथ ही हम विस्क की मदद से इसको मिक्स किए जा रहे हैं ताकि ये लम्स ना बने इसके, और ये अच्छा सा हमारे पास अच्छा सा टेक्सचर आए, अच्छा सा कस्टर्ड बने। तो इस तरह ऐसा ऐसा आप ऐड कर देंगे सारा। तो ये फ्रेंड्स हमने ऐड कर दिया, और अब हम इसको कुछ देर विस्क की मदद से मिक्स करेंगे, और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। अभी हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है, हमने इसको थोड़ी देर और ब्लेंड करना है इसी तरह से। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, ये थिक हो चुका है। 1 से 2 मिनट बस, और फिर हम इसको स्टोव से उतार देंगे। सो फ्रेंड्स, इट्स डन, और स्टोव बंद कर दिया है मैंने, ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पे छोड़ देंगे कि ये ठंडा हो जाए। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 से 3 बूंद वेनिला एसेंस के। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, आप देख सकते हैं वेनिला एसेंस, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स। और मैंने इसको, ये आप देख सकते हैं, अब मैं इसको ऐड इसमें मिक्स करने लगी हूँ। अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया, अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और देन हमें चाहिए क्रीम। क्रीम को आप रख लीजिए पहले फ्रिज में ताकि वो ठंडी हो जाए, फिर हम उसको व्हिप कर सकें ताकि। और अब मैं उसको फ्रिज में रख चुकी हूँ, तो मैं वेट करती हूँ कि वो ठहरे हैं जली। हमने सिंपली पानी लिया है 400 ml
दो कप, और ये बॉयल हो जाए तो हम इसमें जेली ऐड कर देंगे और फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रिज में। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉयल हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये बॉयल हो चुका है, ये इसमें मैंने जेली का पाउडर ऐड कर दिया है और बस अब सिंपली हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स हो गया, स्टोव बंद कर रही हूँ मैं। अब मैं इसको किसी बर्तन में डाल के फ्रीज़र में शिफ्ट कर दूँगी और ताकि ये ठंडी हो जाए, जम जाए। तो ये मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया है, चौकोर सा है, और अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए और बाद में इसको क्यूब्स में काट लूँगी। तो फ्रेंड्स अब हम क्रीम व्हिप करने लगे हैं। क्रीम लिया है मैंने, इसको मैंने ठंडा कर लिया था, फ्रिज में रखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास एक स्टील की थाली है, उसमें हमने बर्फ़ रखी थी ताकि हमें ठंडी चाहिए थी, और ये हम लोगों ने बाउल लिया, इसमें हमने क्रीम डाली। और ये हम इसको व्हिप करेंगे। फ्रेंड्स ये हम इसमें थोड़ी सी क्रश्ड शुगर ऐड कर रहे हैं और फिर हम दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए कुछ हद तक ये हो चुके हैं, तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसको मज़ीद करना है, मज़ीद मैंने इसको व्हिप करना है, मुझे जितनी चाहिए। अभी ये उस पॉइंट तक नहीं पहुंची तो अब मैं दोबारा से करने लगी हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए कितने मज़े की ये लग रही है, और ये जिस तरह की मुझे चाहिए थी उस तरह की हो चुकी है तकरीबन। बस 1-2 मिनट और बस मैं इसको रख दूँगी, तो जब तक हमारी जेली और बाकी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी तो फिर हम इसको सेट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस 1-2 मिनट में इसको और व्हिप करती हूँ। सो फ्रेंड्स इट्स डन नाउ। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ जब तक मेरी बाकी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। अब हम सारी चीज़ें सेट करेंगे और हमारा ये है फाइनल स्टेप, और सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। ये है हमारे पास फ्रूट मिक्स फ्रूट कॉकटेल, ये हमने एक छोटा केक लिया है, ये व्हिप्ड क्रीम जो हमने व्हिप की थी, ये हमारे पास जेली है जिसको हमने क्यूब्स में काट दिया है, और हमारे पास है चेरीज, कुछ पीसेस हमने लिए चेरीज के, और ये हमारे पास है कस्टर्ड, देन हमारे पास है चॉकलेट सिरप। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं इसको सेट करना। सबसे पहले हम केक पीसेस इस तरह से बेस पे आप रख लीजिए। आप चाहें तो इनको ब्रेक करके भी रख सकते हैं या मैश करके भी रख सकते हैं। मैं इनको ब्रेक कर रही हूँ, पूरी तरह से मैश नहीं कर रही लेकिन ब्रेक कर रही हूँ। इस तरह से मैंने छोटे चंक्स में पीसेस में कर दिए हैं। देन हम इस पे कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया कस्टर्ड। इसको इस तरह से सेटल कीजिए। जैसे हमारे पास फ्रूट्स की लेयर आएगी, देन आप इस पे जेली डालिए। इवनली इसको फैला दीजिए।
देन हमारे पास आ गया अगेन कस्टर्ड, स्पून की मदद से हम इसको फैला दीजिए। और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाएगी क्रीम। आई सजेस्ट यू टू यूज स्पैचुला, लेकिन मेरे पास स्पैचुला इस वक्त नहीं है तो मैं स्पून की मदद से इसको कर रही हूँ, लेकिन अगर स्पैचुला हम यूज़ करें तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है क्रीम की लेयर, इसको हम सेट करते हैं। देन फ्रेंड्स हम ये यूज़ करेंगे चॉकलेट सिरप, इससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, तो इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे और साथ ही हम चेरीज यूज़ करेंगे। तो चलिए तो फ्रेंड्स पे मैंने लिख दिया है हैप्पी मदर्स डे, ये आप देख सकते हैं, और देन मैं इसको चेरीज से डेकोरेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्राइफल, हमारी डेजर्ट रेडी हो चुकी है और अब हम इसको रखने जा रहे हैं फ्रिज में, और जब ये ठंडा हो जाएगा और जब हम मामा को सरप्राइज़ करेंगे तो हम इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स नाउ आई एम ऑन कैश एंड कैरी एंड आई हैव बॉट गिफ्ट फ्रॉम माय मॉम, और मैंने उनके लिए अच्छी सी परफ्यूम ली है, तो जब मैं उन्हें सरप्राइज़ करूँगी तो साथ में उनको ये गिफ्ट भी दूँगी। सो ये मैं आई हूँ शॉपिंग के लिए और ये मैंने गिफ्ट बाय किया है। सो लेट्स गो फ्रेंड्स, वापस जा रहे हैं और मामा इज़ वेटिंग कि हम किधर हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं और हम उनके लिए गिफ्ट लेने आए हैं। तो हमें जल्दी से घर पहुंचना है, उन्हें बताना है कि हम कुछ ग्रोसरी का सामान लेने गए थे, जैसा कि मैं उनको बता के आई थी। तो चलें फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी की वीडियो। तो फ्रेंड्स हमारा फ्रूट रैपर तैयार हो चुका है और ये ठंडा हो चुका है, मैं इसको ले आई हूँ सर्विंग के लिए और अब मैं मामा को सरप्राइज़ देने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।